ये बताओ प्रशांत बोध भाई ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? सही तो बोला है, उसमें बहुत गलत बड़ा कुछ नहीं है, चूतिया उसको है। पकड़ो ना। उसको तो बांध के मारेंगे हम लोग प्रशांत बोध को। मेरी बात सुनो, वो हिंदू धर्म के बारे में ऐसी ऐसी घटिया बयानबाजी कर रहा है। प्रशांत बोध को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। देखियो गाली से कुछ नहीं होता है, गाली नहीं दे रहा हूँ गाली, वो क्या क्या बयानबाजी दे रहा है हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में, ऐसे घटिया बयान दे रहा है। और तुम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बौद्ध ने क्या सिखाया है कि आप हिंदू धर्म की बुराई करोगे? आपको पता है बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ से हुआ है? अरे यार जी चूतिया ही बात, पूरी बात सुनोगे, लॉजिकल बात सुनोगे। क्या लॉजिकल बात? तुम लोग लॉजिकल बात समझाओगे? दो चार अक्षर पढ़ लिख के अपने आप को स्ट्रांग करो और हिंदुत्व को मजबूत करो। तुम अंधवक्त हो, तुम्हें कोई पता नहीं, पहले मेरी बात सुनोगे तब तुम्हें कुछ समझ में आएगा। बताओ तुम क्या बात बताना चाहते हो? प्रशांत बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो फिर कूटा जाएगा, वो ऐसा कूटा जाए, ऐसा चप्पलों से कूटा जाएगा कि हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलने से पहले 50 बार सोचेगा वो। तुम जैसे चमन चूतिया ऐसे क्या चमन चूतिया? फोन तुम मेरे पास क्यों हो चूतिया, मुझे बोल रहे हो? हाँ तो तुम सबसे बड़ी चूतिया तो तुम हो जो तुमने मुझे फोन किया है। तुम सिर्फ लड़ाई वाली बात, लड़ाई वाली बात तुम जैसे लोग पैदा कर रहे हैं। अगर तुम हमारे धर्म के खिलाफ पे धर्म के खिलाफ फालतू बयानबाजी नहीं करोगे तो हमें क्या जरूरत है कि हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे? तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म में पाखंड है, ब्राह्मण चोर है, मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं, शोषण कर रहे हैं, ये सब क्या बयानबाजी है भाई? 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। मुझे मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, हिंदू धर्म में दलित क्या अछूत हैं? ठीक है, किसने कहा दलित अछूत हैं? ये तो आप मानो या आपसे PFI बुलवाएगी क्या? बोलना है कि हम अछूत हैं, अछूत हैं। कहाँ अछूत हो भाई, दुनिया बदल चुकी है। किस जमाने की बात आप कर रहे हो? अरे आप मेरे दलित भाई हो। इसी जमाने की बात कर रहे हैं, मैं तो आपके गले से गला लगा के आगे लेके बढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग अपने आप को अछूत मान रहे हैं, और आप लोग अछूत नहीं, आप जैसे कुछ भीम आर्मी के नेता लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और दलितों को गुमराह कर रहे हैं, और प्रशांत बोध जैसे लोग ये सड़क पे नहीं निकल पाएंगे एक दिन, आप देखिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। हाँ बोलिए। स्थापना किसने की? हाँ हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? हिंदू धर्म की स्थापना क्या बात है, हिंदू धर्म जो है वो अनादि काल से है, ऐसे काल से है कि जब ये दुनिया ही नहीं आया था तब हिंदू धर्म यहाँ आया था। सबसे पहला धर्म और सबसे प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म। तुम महान चूतिया हो, गूगल सर्च करके देख लो हिंदू। सुनो बे चूतिया, चूतिया बोलो, इतना लतियाएंगे फोन में घुस के, ऐसा थपड़ियाएंगे ना कि पलटी खा जाओगे तुम। गूगल सर्च करो। अब गूगल सर्च सर्च हम नहीं करेंगे, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अब तुम जैसे चूतियों से बात नहीं करोगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, प्रशांत बोस को समझाइए कि हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बकना बंद करे, और अगर वो बंद नहीं करेगा तो उसे हम जेल में बंद करवाएंगे। राष्ट्रवादी सरकारों के होते ज्यादा दिन ऐसी बयानबाजी नहीं चलेगी। तुम्हें उस चीज का पता ही नहीं है, तुम उसके बारे में बोल रहे हो अंधभक्ति की। गूगल सर्च करो पुराने। हमें हमें कोई गूगल सर्च नहीं करना है, हमारे पास फोन बंद करो। और सबसे बड़ी बात, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से मेरे पास फोन करवाना बंद करवाओ। देखो सारे संगठन बने हैं, सबको ही बना है, लेकिन एक एक हमारा संगठन क्या बन गया है? तो तुमको क्या संगठन बन गया है? दलितों को गुमराह किया जा रहा है, सवर्ण बनाम दलितों को भड़काया जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? हम गुमराह कैसे किया जा रहा है वो चीज बताओ। हर तरीके से गुमराह किया जा रहा है। मेरी बात सुनो, 1833 की घटना केरल की, आप 1833 और 35 की बात में करेंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं लंका धर्म का फाउंडर हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता है। अपने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से कहो कि मुझे बार बार फोन पे परेशान न करें, और प्रशांत बोध से बोलो कि वो बंद करे फालतू की बयानबाजी, वरना हिंदुस्तान में हिंदू उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा। अभी प्रेजेंट की घटना पुराना कांड की देख लो आप। अब रखो यार फोन, इतना मेरे पास इतना वक्त है क्या कि मैं तुम्हारी चोचलेबाजी सुनूंगा? ठीक नहीं, मैं कम से कम ठीक आपके लिए नहीं है। प्रशांत बोध को मना करिए कि हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बकना बंद करे। एक भी वीडियो आप बताइए जहाँ हमने हमने यहाँ किसी हिंदू ने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका हो। हम उन्हें भी आराध्य मानते हैं, वो हमारे भी पूजनीय है, लेकिन आप लोग हिंदू धर्म को जितना उसमें जो कचरा है, जितना कचरा तुम्हारे दिमाग में, फोन रखो, कचरा तुम्हारे दिमाग में, और ये कचरा मैं निकालूंगा। रखो फोन।